हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आप पेज नंबर 73 तो स्टार्ट कर रहे हैं, कनेक्टेड रूट्स। ये बेटा आपां नूं की है, इस आपने कंडीशंस फाइंड आउट करनी कि फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन मे बी रेसीप्रोकल। आपने पता करना वो कि कंडीशन होगी जिथे ये रूट्स की है एक दूजे के रेसीप्रोकल हो। क्लीयर? यानी कि आपां गिवन तो हैगा कि रूट्स की है रेसीप्रोकल है, आपने कंडीशन फाइंड आउट करनी है। सैकेंड पार्ट है जिमें कि इक्वल इन मैगनीच्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, कि यानी कि जो ये रूट्स है वह की है मैगनीच्यूड तो इक्वल है बट उन्हों का साइन ऑपोजिट है। साइन ऑपोजिट मतलब एक प्लस द एक माइनस है। तो अजिही हालत दे विच की कंडीशन होगी तो वो कंडीशनस पता है, इनू आप किवें सोल्व करांगे। गिवन क्वेश्चन अपने को है जे अल्फा रूट्स है, जब अल्फा यदा रूट है तो दो रूट्स होंगे ना, गिवन है रेसीप्रोकल्स एक जे, यानी कि जे एक अल्फा तो दूजा वह रेसीप्रोकल वन अपॉन अल्फा। ओके, हुण आपां ने कंडीशन पता करनी है। कंडीशन आपां किवें पता करांगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पता करांगे। हुण जिवें इहदे विच की है अल्फा तो वन अपॉन अल्फा है, तो आपां नूं पता चलता कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किहदे इक्वल हुंदा गा, कॉन्सटेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के। सी अपॉन ए हो गया, अल्फा नाल अल्फा कैंसल हो गया तो वन रह गया। ए नूं इधर लै जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सी इज इक्वल टू ए। यानी कि दिस इज़ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, जो सी ए दे इक्वल होएगा उदो रूट्स की होंगे आपस एक दूजे के रेसीप्रोकल होंगे। सैकेंड पार्ट की है, इक्वल इन मैगनीच्यूड बट ऑपोजिट इन साइन, यानी कि मैगनीच्यूड तो दोनों का सेम है, एक प्लस का तो दूजा माइनस का हो, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा ये रूट्स है। तो आपको पता है सम ऑफ द रूट्स कि इक्वल होंगे माइनस दे बी अपॉन ए, तो अल्फा नाल अल्फा कैंसल जीरो आ जाएगा, तो बी की वैल्यू की आ गई इतों जीरो आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे भी जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू भी जीरो आ गई। यानी कि जो बी की वैल्यू जीरो होगी जो उदो रूट्स की होंगे ऑपोजिट इन साइन होंगे बट इक्वल इन मैगनीच्यूड। इस तरीके आप कंडीशनस फाइंड आउट करांगे। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसे तरीके है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ मे एक्सीड द अदर बाय के। ठीक है, यानी कि एक रूट दूसरे रूट नालों के टर्म्स ज़्यादा है गया। ओके, जे अल्फा बीटा ये रूट्स है इस क्वेश्चन के, तो अपन पता अल्फा प्लस बीटा माइनस दे बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए देखो। बट अपन गिवन की है एक रूट दूजे नालों के वध है, तो यानी कि अल्फा इज इक्वल टू की हो गया बीटा प्लस के। इनू तुसीं ऐ लिख सकते हो एक रूट दूजे नालों के वध, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा प्लस के। बीटा नूं लैफ्ट हैंड साइड ते रहिंदा माइनस बीटा बन गया, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू के हो गया। दोनों साइड ते स्केयरिंग कर दो, स्केयरिंग करांगे तो अल्फा माइनस बीटा का स्केयर इक्वल टू के स्केयर हो गया। ठीक है, स्केयर खोल दो फार्मूला अल्फा स्केयर। हुण इहदे विच बेटा सेम मैं लास्ट एक्सरसाइज जिवें तुहानूं समझाया सी उसे तरीके नाल है, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर माइनस फोर अल्फा, क्योंकि आपां नूं अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पती, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है। इस करके आप इन अल्फा प्लस बीटा चेंज करांगे, उसते माइनस टू अल्फा बीटा तो प्लस टू अल्फा बीटा करता, तो आ सेम रिजल्ट मैं लास्ट एक्सरसाइज तुम दस किस तरह बनया, अल्फा प्लस बीटा का स्केयर बन गया माइनस दे फोर अल्फा बीटा इज इक्वल टू के स्केयर। इन्हों दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो अल्फा बीटा की वैल्यू आप क्ढी सी माइनस दे बी अपॉन ए तो सी अपॉन ए, ये दोनों वैल्यूज पुट करके अपने ए नाल जिहड़ा हैगा एलसीएम लै लो। तुसीं ए एलसीएम लोगे ए स्केयर नूं, तां बी स्केयर माइनस ए फोर ए सी इज इक्वल टू ए स्केयर कोस स्केयर, ए रिक्वायर्ड कंडीशन बन जाएगी तुहाडी। थर्ड एग्जाम्पल है जिवें इस की है कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन मे बी इन द रेशो पी रेशो क्यों, ये रूट्स के पी रेशो क्यों च है, प्रूव करना है वाला रिजल्ट कंडीशन, यानी कि आ शो करनी है तुसी रूट्स आपू पी रेशो क्यू दे जो तो रेशो च गिवन होंगे है ना, उदे नाल कोई ना कोई स्केलर ला दो कि सपोज कर लो पी अल्फा तो क्यू अल्फा की है इस क्वेश्चन के रूट्स है, जेदे रूट्स है तो दोनों का सम बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, तो दोनों की प्रोडक्ट है जी। ठीक है, सॉरी ये तो सेम ही चल रहा, अल्फा कॉमन कर लिया पी प्लस क्यू इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, तो प्रोडक्ट है जी सी अपॉन ए इक्वल हो जाएगी, इन सोल्व करोगे तो पी क्यू अल्फा स्केयर बन जाएगा, तो इनू जो तुम स्केयरिंग कर दोगे पी प्लस क्यू का स्केयर, क्योंकि देखो ना अपन कंडीशन स्केयर चाहिए तो पी प्लस क्यू का स्केयर अल्फा स्केयर इक्वल टू बी स्केयर अपॉन ए स्केयर आ जाएगा। ओके,
हूँ डिवाइडिंग वन एंड टू इन दोनों क्वेश्चनस नूं आपां की करांगे डिवाइड कर लाँगे। जो डिवाइड करोंगे पी प्लस क्यू द होल स्केयर अपॉन पी क्यू रह जाएगा, अल्फा स्केयर नाल अल्फा स्केयर कैंसल हो जाएगा। इन दोनों डिवाइड करोंगे तो रेसीप्रोकल बन के उपर आ जाएगा, बी स्केयर अपॉन ए स्केयर इंटू ए अपॉन सी, ए नाल एक ए कैंसल हो जाएगी तो बी स्केयर अपॉन ए सी रह जाएगा पी प्लस। यही चीज़ आप शो करनी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को वाला रिजल्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर फोर, इफ द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन बी इन द रेशो ही आप फिर गिवन है, अपने वाला रिजल्ट शो करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंस है, मैं ध्यान नाल करियो कि गिवन क्वेश्चन आ है तो सम ऑफ द रूट्स अपन कि पहला तो गिवन है रेशो दे विच तो पी अल्फा तो क्यू अल्फा ये रूट्स हो जाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट्स कि कोल आ जाएगा पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा इज इक्वल टू माइनस दे एन अपॉन एल दे कोल आ जाएगा, है ना। आ वाली क्वेश्चन अपने को ते सम ऑफ द रूट्स इतने भी एन अपने को इतने एल है तो माइनस ए एन अपॉन एल हो गया, तो दोनों चो अल्फा कॉमन कर लिया पी प्लस क्यू इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस ए एन अपॉन एल हो गया। उस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो कॉन्सटेंट टर्म इंटू एल इस फोर इज पॉन एल आ जाएगा, तो दोनों की प्रोडक्ट कर दी पी क्यू अल्फा स्केयर इक्वल टू एन अपॉन एल आ गया। अपन देखो अंडर रूट वैल्यूज चाहिए, अपन ने किया दोनों साइड से अंडर रूट लै लिया अंडर रूट पी अंडर रूट क्यू अल्फा स्केयर का अंडर रूट लोंगे तो कला अल्फा रह जाएगा अंडर रूट एन अपॉन एल आ वैल्यूज आ गई अपने को क्लीयर। ये वैल्यूज के आप कीतागा अल्फा की वैल्यू है जी जी कर सकते दोनों डिवाइड कर सकते आ वाली इक्वेशन तो आ वाली इक्वेशन दोनों की करता अपने डिवाइड कर दिता। जो डिवाइड करोंगे अल्फा नाल अल्फा तो कैंसल हो जाएगा पी प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी क्यू रह जाएगा इज इक्वल टू इधर एन माइनस दे एन अपॉन एल है इधर अंडर रूट एन अपॉन एल है एक अंडर रूट कैंसल हो जाएगा, ठीक है। एन अपॉन एल आप लिख सकते हैं ना एन बाई एल इंटू अंडर रूट एन बाई एल एक अंडर रूट कैंसल हो जाएगा एक ही रह जाएगा माइनस ऑलरेडी है माइनस अंडर रूट एन बाई एल। सिमिलरली आप ये करा इस आप अलग अलग कर लिया पी अपॉन पी अंडरूट पी अंडरूट क्यू प्लस क्यू अपॉन अंडरूट पी अंडरूट क्यू दोनों नीचे अलग अलग लिख लिया अपने ओके अंडरूट पी नाल हुण इहदे विच भी आप पी नूं जिवें लिख सकते हैं अंडरूट पी इंटू अंडरूट पी तो एक अंडरूट पी कैंसल हो जाएगा अंडरूट पी अपॉन क्यू हो जाएगा। सिमिलरली इहदे विच क्यू नूं लिखोगे अंडरूट क्यू एक अंडरूट क्यू कैंसल हो जाएगा अंडरूट क्यू अपॉन पी माइनस दे अंडरूट एन अपॉन एल इहनूं इधर लिओ लैफ्ट हैंड साइड ते प्लस हो जाएगा तो अपने को ही जी है कंडीशन बन जाएगी। उस फिफ्थ एग्जाम्पल हैगी है कि फाइंड द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन मे बी द स्केयर ऑफ द अदर एक रूट दूजे का स्केयर है, यानी कि जे एक रूट अल्फा दूजा अल्फा स्केयर हो गया तो कंडीशन पता करनी है अपने तो अपनों आ वाली इक्वेशन गिवन है आप दोनों का सम कर दिता अल्फा प्लस अल्फा स्केयर माइनस ए बी प्रोडक्ट कर दिते अल्फा क्यू इक्वल टू सी अपॉन जी आप फर्स्ट इक्वेशन है इनू आप करेंगे क्योंकि अल्फा क्यूब की वैल्यू पता है आप इस इक्वेशन में कर दिता क्यूबिक बना दिता दोनों साइड से क्यूब ले लो जो क्यूब लोंगे तो अपने को इतने बन जाएगा अल्फ ए प्लस बी का क्यूब ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला होंगे अपने को पता ही है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी ये फार्मूला होंगे ना ए प्लस बी का क्यूब हूँ ए की वैल्यू हैगी अल्फा तो बी की वैल्यू हैगी अल्फा स्केयर क्लीयर तो अल्फा का क्यूब तो अल्फा क्यूब है अल्फा स्केयर का क्यूब पावर्स मल्टीप्लाई होगी अल्फा सिक्स आ गया प्लस थ्री इंटू ए बी ए बी की वैल्यू हैगी है दोनों प्रोडक्ट कर दिता अल्फा इंटू अल्फा स्केयर अल्फा क्यूब हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्केयर क्लीयर। हूँ अपन पता है कि वैल्यू देखो पता है अल्फा क्यूब की वैल्यू पता है अल्फा प्लस अल्फा स्केयर की वैल्यू पता है वैल्यूज पुट कर दो ये राइट हैंड साइड से सिंपली अपना बी क्यूब तो ए क्यूब आ जाएगा तीन बार कर रहे हैं तो माइनस का साइन भी होगा देगा अल्फा प्लस अल्फा स्केयर की वैल्यू माइनस दे बी अपॉन ए पुट करती अल्फा क्यूब की वैल्यू जी है सी अपॉन ए पुट करती इतने देखो अल्फा की सिक्स है इनू तुम लिख सकते हो अल्फा क्यूब का स्केयर तो सी स्केयर अपॉन ए स्केयर हो गया ए क्यूब है जरा वो एलसीएम आ जाएगा ए क्यूब नूं तुम एलसीएम ले लो ए क्यूब में जो एलसीएम लता
ए क्यूब नू एलसीएम लता इतने सिंगल ए सीगा ता ए स्क्वेयर लग गया इहदे नाल इतने डबल ए है एक सिंगल ए लग जाएगा इतने डबल ए है इतने भी एक सिंगल ए लग गया इज इक्वल टू माइनस ए बी क्यूब क्योंकि इहदे नीचे ऑलरेडी क्यूब लग्या होया तो कैंसल हो जाएंगे इनू तुसीं लैफ्ट हैंड साइड ते लिया सकदे हो बी क्यूब प्लस ए स्क्वेयर ई चीज़ अपने को रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगी। अगली एग्जाम्पल हैगी है कि डिटरमिन के के दी वैल्यू फाइंड आउट करने वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन इज डबल द अदर जे एक रूट दूजे नालों डबल है आ गिवन क्वेश्चन अपने पहला तो वाली क्वेश्चन नूं आपां सॉल्व करांगे क्योंकि देखो ना फैक्टर्स पे है गए अलग अलग पे है गए है ना पहला तो यदा स्केयर खोलो ए माइनस बी का स्केयर फार्मूला ला के नाल मल्टीप्लाई करता के एक्स स्केयर माइनस दे टू के एक्स प्लस के इक्वल टू फाइव एक्स माइनस सैवन एक्स वाले टर्म्स नूं कट्ठा कर लो तो कॉन्सटेंट नूं कट्ठा कर लिया माइनस दे टू इंटू टू के प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस के प्लस सैवन हुण सम ऑफ द रूट्स कटो जे अल्फा तो टू अल्फा अपन क्या ना के दी वैल्यू पता करनी है वन रूट की है दूजे का डबल है तो जे अल्फा यदा रूट है टू अल्फा भी यदा रूट होएगा दोनों का सम कि इक्वल होएगा माइनस दे बी अपॉन ए तो टू के प्लस फाइव अपॉन के हो गया गा थ्री अल्फा हो गया थ्री नूं इधर बटे चले आता जे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू टू अल्फा प्लस के प्लस सैवन कॉन्सटेंट टर्म बटा के ओके अल्फा स्केयर हो जाएगा इतने अपने को टू आप बटे च लैके जा सकते हैं है ना टू अल्फा स्केयर अल्फा दी आ वाली वैल्यू अपने कीते पुट कर दी गई पुट कर दी तो स्केयर खोल दिता टू के प्लस फाइव का स्केयर नीचे का नाइन के स्केयर बन जाएगा फोर के स्केयर प्लस ट्वेंटी के प्लस ट्वेंटी फाइव बन गया अपने को टू नाल मल्टीप्लाई करता अंदर दे पासे तो अपने को क्वेश्चन आई नाइन के स्केयर सीगा एक के स्केयर है जो के नाल कैंसल नाइन के नूं आपां इहदे नाल मल्टीप्लाई करता नाइन के स्केयर प्लस सिक्सटी थ्री के ओके हुण इन्हां नूं की करो आ वाले टर्म्स नूं राइट हैंड साइड ते लै जाओ तो नाइन के स्केयर माइनस एट के स्केयर सिंगल के स्केयर है जिहड़ा ते नैक्सट है सिक्सटी थ्री के माइनस दे फोर्टी के ट्वेंटी थ्री के रह जाएगा तो माइनस फिफ्टी ए कॉन्सटेंट है जी ये आप फैक्टर्स बनावे के प्लस ट्वेंटी फाइव के माइनस टू तो के इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फाइव तो टू यदि वैल्यू आ जाएगी यही आंसर है। इस तरीके जोड़ा है बेटा आप है कंडीशनस फाइंड आउट कर सकते हैं जो थोड़ा कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन गिवन है वो रूल्स गिवन है। सैकेंड एफ एक्सरसाइज बेटा इस तरीके सॉल्व करनी है चंकी तरह करियो थैंक यू बेटा।